ये नज़ारा है वैशाली जिला के वेलसर प्रखंड के करनेजी ग्राम का। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यही नज़ारा है। मैं यहाँ आपको बाढ़ से हुई क्षति को दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं वो माया नदी का बांध जो टूटने से हुई क्षति को और अपने गांव में पानी घुसने का क्षति का अनुमान लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पोल ट्रांसफार्मर जो है डूब चुका है पूरे पानी में, और जो है यहाँ खेत खलिहान सारे घर भी जो है घर में जो है पानी अंदर तक चला गया हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं वैशाली के गांव करनेजी का नज़ारा जो है पूरी तरह से डूब चुका है, सारे गांव के लोग परेशान हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूरा पानी भर चुका है और लोगों का भी परेशानी हो रही है यहां पे। तो आप खुद देख सकते हैं लोग घुटने तक ये पानी जो है पहुंच चुका है लगभग। और आगे से देखिए एक बाइक आ रही है आगे से, और उससे यह पता लग जाएगा कि कितना पानी है ना। तो आप जो है देख सकते हैं बाइक आगे से आ रही है। मैं अभी रोड पे इतना पानी लगा हुआ, तो समझ लीजिए जो है लोग कितने परेशान हैं। तो रोड पर जब इतना पानी लगा हुआ है तो लोग का घर जो है रोड से काफ़ी नीचे होता है ना, इसे लोग बहुत ही परेशान हैं। एक बार फिर और मैं अपने पीछे का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं पूरे जो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जहाँ से पानी निकल रहा है वहाँ पर हम लोग अब चलते हैं, जहाँ से बांध का पानी जो है डायरेक्ट गांव में प्रवेश कर रहा है ना। चलिए वहाँ पर चलते हैं थोड़ा ऊंचा स्थान पे। आप देख सकते हैं पूरे गांव में जो है पानी फैलते जा रहा है। जैसे यह गांव में पानी फैल रहा है, प्रशासन को यहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। जैसे जैसे बाढ़ का पानी इस गांव में बढ़ते जा रहा है, वैसे गांव में लोगों की परेशानी बढ़ता जा रहा है, लोगों की मुश्किलें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं पानी जो है बहुत ही ज़्यादा फोर्स से आगे की ओर बढ़ रही है और गांव को अपने चपेट में लेती जा रही है। गांव के लोगों को एक बार फिर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये भयावह स्थिति बनती जा रही है। जिस तेज़ी से पानी सामने गांव की ओर जो है आती जा रही है और भयावह स्थिति जो है आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ भयावह स्थिति जो है इस तरफ बनी हुई है। चारों तरफ का नज़ारा जो है सभी जगहों पानी लबालब भर चुका है और तेज़ी से पानी गांव की तरफ बढ़ रही है। बाढ़ का पानी तेज़ी से घर को भी अपनी चपेट में ले रही है। माल मवेशी और भी जो है लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है।